नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम और पहचान पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। आज हम बात करेंगे बिग बी, शहंशाहों के शहंशाह, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपके लिए। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं और सामाजिक मुद्दों के मामले में सहायक तथा जनसाधारण के साथ अच्छी तरह संबंध स्थापित करने में सक्रिय रहते हैं। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति पर उनकी उपस्थिति ने उनके करियर को एक नया मुकाम दिया है और उन्हें प्रसिद्धि की और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया है। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन के नाम से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वही गरिमा है जो भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर की है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर में हुआ था। उन्होंने अपना फिल्मी करियर 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी के साथ शुरू किया था। फिर 1973 में उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक नए तरह के नायक की भूमिका में अन्याय करने वाले समूह का सामना किया, जिससे इन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि मिली। मुंबई आने से पहले अमिताभ ने 1968 में कोलकाता में एक शिपिंग फर्म के साथ काम किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी भारी आवाज के कारण उन्हें कथित तौर पर मना कर दिया गया था। वही आवाज अब उनकी हस्ताक्षर यानी पहचान बन गई है। वो आनंद 1970 और नमक हराम 1973 में इन फिल्मों के साथ और भी बड़ी हिट फिल्मों को अर्जित करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अमिताभ ने उस समय रंगमंच में पदार्पण किया जब देश में विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों के बीच काफी असंतोष की भावना फैली हुई थी। अगले वर्षों में उन्होंने कई प्रमुख हिट फिल्में दी, जैसे दीवार, त्रिशूल, डॉन, नटवरलाल में माफिया डॉन की भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुहाग, द ग्रेट गैम्बलर, कालिया, सिलसिला, शक्ति आदि महान फिल्में की हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्टता से एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई, तथापि उन्होंने रोमांटिक या कॉमिक सभी प्रकार की भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वो 1984 में राजनीति में शामिल हो गए और इलाहाबाद से सांसद चुने गए। वहां उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अग्निपथ में उनकी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की और शानदार सफलता और प्रसिद्धि हासिल की। वो यहाँ भी नहीं रुके, फिर उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में अभिनय किया। अमिताभ बच्चन को 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म इतिहास में पहली बार दुर्घटनावश कूली में काम करते वक्त पेट पर चोट लगी। फिर पेट में दर्द की शिकायत के बाद 11 फरवरी 2012 को पेट की सर्जरी की गई। ये सर्जरी सफल रही और सर्जरी के बाद इस लोकप्रिय अभिनेता ने सबसे पहले अपने प्रशंसकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए प्यार और धन्यवाद दिया। चलिए अब आपको बताते हैं शहंशाह के फिल्मी करियर से जुड़े कुछ उतार चढ़ाव के बारे में। बता दें कि काफी फ्लॉप के बाद अमिताभ ने अर्ध रिटायरमेंट लिया। वर्ष 1992 में उन्होंने अर्ध सेवानिवृत्ति ली। वर्ष 2000 में टेलीविजन क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में की। वापसी के बाद से वो अभिनेता के रूप में नहीं दिखे। आज वो ऐसे स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं जिसे आने वाले वर्षों में किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। उनकी लगभग सभी फिल्में दर्शकों और साथ ही आलोचकों पर भी प्रभाव डालती हैं। आँखें, खाकी,
बंटी और बबली, चीनी कम, सरकार राज जैसी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। उन्होंने अग्रसर रहते हुए अनंत पुरस्कार और पहचान पाई है। ये हमेशा अपने ऊंचे कद के लिए, चैरिटी कार्यों के लिए, नर्म आवाज के लिए और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति विनम्र व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहते हैं। श्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शन के लिए वे लगभग सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों को ग्रहण करने वाले महान व्यक्ति हैं। उनकी फैमिली एक स्टार फैमिली है, जिसमें उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटा अभिषेक बच्चन और बहू मिस वर्ल्ड ब्यूटी की विजेता और लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन शामिल हैं। कुछ समय पूर्व वो एक पोती पाकर धन्य हो गए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें एचबीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।